सुर्खियों में रहने वाला मेडिकल कॉलेज शहडोल लगातार लापरवाही के कई मामलों में सामने आया है, जहां पर शहडोल जिले में मेडिकल कॉलेज शहडोल में कोरोना संक्रमित मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी करते मेडिकल कॉलेज शहडोल के दो कर्मचारी सहित एक स्टाफ नर्स व मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित मेडिकल स्टोर संचालक को शहडोल पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन व 5 मोबाइल सहित 6,49,480 रुपए जब्त कर कार्रवाई की गई है। पकड़े गए लोगों से पुलिस सतत पूछताछ कर रही है। इस कोरोना काल में जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी साबित हो रही थी, वहीं जिले में इसकी कालाबाजारी भी दबे पांव चल रही थी। शहडोल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दीपक गुप्ता एवं उज्जवल द्विवेदी अपने पास रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक्री करने के उद्देश्य से रखे हुए हैं और कुदरी बाईपास रोड के पास खड़े हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी द्वारा गठित SIT की टीम को सूचित किया एवं मुखबिर के बताए स्थान कुदरी बाईपास रोड पहुंचे, जहां पर दो व्यक्ति रोड के किनारे खड़े दिखे, जो पुलिस को देखकर घबरा गए व भागने लगे, जिसको SIT टीम व पुलिस फोर्स की मदद से पकड़कर पूछताछ की गई। तो अपना नाम दीपक गुप्ता, पिता सीताराम गुप्ता, निवासी कोड़िया जिला उमरिया हाल कुदरी रोड शहडोल एवं दूसरा व्यक्ति अपना नाम उज्जवल द्विवेदी, पिता धनीराम द्विवेदी, निवासी ग्राम चंदिया जिला उमरिया का होना बताया। दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर 2 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं, जहां पर आरोपियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में दस्तावेज मांगने पर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए। पुलिस ने आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि सुषमा साहू मेडिकल कॉलेज नर्स है, जो कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती COVID-19 के मरीजों को आवंटित इंजेक्शन मरीजों को न लगाकर चोरी छिपे बिकी हुई अमित मिश्रा अमित फार्म के संचालक को देती थी और अमित मिश्रा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी, मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट और साथ ही में मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन व 5 मोबाइल सहित 6,04,080 रुपए जब्त कर कार्रवाई की है। पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंजेक्शन जो कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इस काम में लिप्त हैं और वो जो व्यक्ति लिप्त है वो मेडिकल कॉलेज में नौकरी पर हैं। तो पुलिस ने आज अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और दो लोग सबसे पहले गिरफ्तार हुए, दीपक गुप्ता और उज्जवल द्विवेदी, दोनों चंदिया जिला उमरिया के रहने वाले हैं। दीपक गुप्ता पिता सीताराम गुप्ता 23 साल, उज्जवल द्विवेदी पिता धनीराम द्विवेदी 30 वर्ष, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुआ है। ये दोनों व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं और इनके निशादेही पर एक और व्यक्ति है, मेडिकल संचालक अमित मिश्रा, अमित फार्मा नाम के इनके मेडिकल स्टोर है, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से भी काफी सारी चीजें बरामद हुई है। इस काम में एक महिला सुषमा साहू पिता लखनलाल साहू, जो महिला नर्स है जो मेडिकल कॉलेज में पदस्थ है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल पुलिस ने लगभग 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 5 मोबाइल बरामद किए हैं और लगभग 6,49,480 रुपए भी बरामद किए हैं। ये सारे आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में है, इनके विरुद्ध में सोहागपुर थाना में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। KRN न्यूज के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।